नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह, पुलिस उप कप्तान पूर्व राजश्री राजवर्मा, ADCP ट्रैफिक दुर्गाराम चौधरी, ACP रविंद्र बोथरा, कैलाश पारिक और अंशु जैन जैसे गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए जयपुर ट्रैफिक नोडल अधिकारी एवं प्रभावशाली व्यक्ति प्रवीण ने अपनी विशेष कविता के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने की महत्ता को बताया और लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सभी अतिथियों ने मिलकर दीप जलाया और कार्यक्रम की सफलता की कामना की है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन के अध्यक्ष मनीष सालेचा ने भी इस अवसर पर यातायात नियमों के पालन का महत्व समझाया और जानकारी दी है कि जोधपुर में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर यातायात जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके। उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने भी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रखने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर समाजसेवी प्रमोद धनाड़िया त्रिपोलिया, व्यापारी संगठन से दीपक सोनी और समाजसेवी दिनेश गौड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित करना था। रोटरी क्लब के सौजन्य से हमें करीब 60 बैनर्स और होर्डिंग्स इनके द्वारा दिया गया है, जो कि ट्रैफिक से संबंधित जन जागरूकता अभियान में हमारी मदद करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, मैं आपके माध्यम से रोटरी क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि किसी तरीके से भविष्य में भी रोटरी क्लब या कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था हमसे जुड़ना चाहे, हमसे जुड़कर काम करें और उनके माध्यम से फिर हम आगे जन जागरूकता करके तो जोधपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। इस तरह के कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो जागरूकता ही होती है। जनरली ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो एक स्तंभ है इंजीनियरिंग, मतलब कि रोड का डिज़ाइन कैसा है। एक स्तंभ होता है एनफोर्समेंट, जो पुलिस के द्वारा जो MVR का एनफोर्समेंट किया जाता है। और तीसरा स्तंभ होता है एडुकेशन, तो जन जागरूकता। सबसे जो मजबूत स्तंभ और सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो होता है जन जागरूकता। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी ट्रैफिक को लेकर, तब तक एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग से ही केवल हम रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और रोटरी क्लब का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और भविष्य में इसी तरीके से और हम कोलैबोरेट करके अलग अलग संस्थाओं के साथ जोधपुर के ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करें। आम जन के लिए यही मैसेज है कि जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसकी पालना करें। ये उनके हित के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए। अगर वो हेलमेट पहनेंगे, वो सीट बेल्ट पहनेंगे तो किसी और का फ़ायदा नहीं होगा, उन्हीं का फ़ायदा होगा। और नुकसान भी होगा तो उन्हीं का होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। अपील है सब लोगों से, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, जो ट्रैफिक लाइट्स है उसकी पालना करें, नशा का सेवन करके वाहन ना चलाएं, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें, दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट के साथ चलाएं और चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट के साथ चलाएं। ट्रैफिक बिल्कुल, इस पर मेरा काफ़ी ध्यान है। हम अभी पूरे शहर में जहाँ जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं उसका हम एक बार विश्लेषण कर रहे हैं और जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर फिर फर्दर विश्लेषण करेंगे भाई किस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल कोई डिफॉल्ट है या फिर वहाँ पर एनफोर्समेंट की और आवश्यकता है। तो ये सब का एक बार विश्लेषण करके जो भी उसमें कार्रवाई की आवश्यकता होगी अलग अलग विभागों के साथ मिलकर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे वो JDA हो, नगर निगम हो, PWD हो, इन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाएंगे और उसका फिर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में जो सिपाही तैनात रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम किए नहीं? ट्रैफिक व्यवस्था में जो हमारे सिपाही रहते हैं उनसे हम रेगुलरली फीडबैक लेते रहते हैं कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत बार जब कड़ी धूप होती है तो उस हिसाब से हम उनको संसाधन प्रोवाइड कराते हैं, बरसात के वक्त अलग तरीके के संसाधन प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ में हमारा प्रयास ये रहता है कि भाई उनका जो डिप्लॉयमेंट है, उनका जो ड्यूटी लगता है वो रोटेशन वाइज लगते रहे ताकि किसी एक व्यक्ति पर बोझ ना पड़े। तो ये संपर्क सभा लेकर एक बार मैं उनसे इंटरेक्ट भी करूँगा, उनसे चर्चा भी करूँगा उनकी क्या समस्याएँ हैं और जो भी हमारे बस में होगा, जो भी हमारे लेवल की बात होगी उस तरीके से उसका निस्तारण करने का प्रयास। होमगार्ड विशेष प्रशिक्षण ऐसा कुछ दिया जाएगा ताकि वो और सुदृढ़ हो? उनको ऑलरेडी हम उनकी ब्रीफिंग करते हैं, उनको MVR के बारे में बताते हैं। बाकी होमगार्ड का जो रोल है वो केवल ट्रैफिक को सप्लीमेंट करने का है ना, वो ट्रैफिक के जाब्ते के साथ रहते हैं, वो अकेले कोई कार्रवाई नहीं करते।
तो जितना उनसे अपेक्षा है उस हिसाब से उनकी ब्रीफिंग की जाती है और उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी की जाती है। बताएं सर, आज आप विशेष अतिथि हैं और आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, ट्रैफिक की बात करें उसमें तो कैसे लोकप्रियता मिली और क्या कहना चाहेंगे? सर, जिसकी मैसेज का प्रिय नहीं होता ना कोई, वो बाहर लोकप्रिय हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं फेलियर हो गए तो कहीं सक्सेसफुल होना चाहिए। क्यों? तो अच्छे काज के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ देते हो, जान बचाते हो, तो प्यार भी मिलता है। तो सब मजाक की बात है, लेकिन ये जब ही मिलता है जब आप पूरे शिद्दत से काम करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम चले तो आंधियाँ क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाने पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो ये एक अकेले का काम नहीं है, हम एक को समझाएंगे, एक दो को समझाएगा, दो दस को समझाएंगे, और आप जैसे डिग्निटरी जो जोधपुर के एक से एक महानुभाव हैं यहाँ, जो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त होके भी समाज के लिए आ गया है, तो एक शानदार पहल हुई है ये। और इस पहल को हम मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और पूरा ह्यूमर इसमें बेस्ट वो रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमर बिना कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है तेरे राज में क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देख कर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे हैं। तो जो लटकते चेहरे हैं, हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिल के चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। तो इन पहरों को निटाना है, लोगों को समझाना है, जान बचाते हैं, बचाने की इस मुहिम में सबको बचानी होगी जान, तब जाके हम अपने देश में लगभग 1-2 लाख के करीब लोग इसे अनावश्यक उस थोड़ी सी समझदारी से जाने बच सकते हैं। तो ये एक अकेले का काम नहीं है, एक मुहिम होनी चाहिए, और जब जान बच जाती है, एक परिवार बचता है, उसके बाद उसके साथ पुश्ती बच जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, आज आपने इस मुहिम में सपोर्ट किया, तो मीडिया का विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ, मनीष भाई का, प्रमोद भाई का, नीतू जी, और ये तो है दीपक जी, तो दीपक की तरह जलो, जलो तो जलो, मत खाओ बैसाखियों को दीमक की तरह, तो हम दीपक की तरह जलेंगे, जो खुद अंधेरे में रहता है, बदले में कुछ नहीं लेता है, दुनिया को प्रकाश देता है, तो प्रकाश देने का काम हमारा होना चाहिए। तो एक से एक शानदार यहाँ पर्सनलिटी आज इकट्ठी हुई, और मैं जयपुर से आया और मुझे भी इन्होंने बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू वेरी मच। जहाँ जयपुर की सड़कों पर जगह लोग आपको कहते हैं कि आगे ट्रैफिक, लेकर आपको कैसा महसूस? अच्छा लगता है। जब ये मुहिम मैंने ऐसी शुरू नहीं की थी, मेरे मामा जी का बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो एक्सीडेंट के अंदर वो IAS के इंटरव्यू दिए थे उसने, तो वो उसके अंडर 100 रैंक आई, तो उसके बाद मुझे लगा जब इतना इंटेलिजेंट बच्चा जिसकी वजह से पूरा परिवार सुरक्षित हो सकता था, और वो ये चला गया, तो हमें इस मुहिम की कोशिश करनी चाहिए। और इसके बदले में मुझे इतना प्यार मिला, इतनी लोकप्रियता मिली, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए, सड़कों पर क्या मुझे तो गटर के पास भी अगर मेहनत करनी पड़े करने की। थैंक यू, इससे धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन को जो इनिशिएटिव में मौका दिया है उसे हमें बहुत ही बेखूबी से निभाया है, और हम लोगों ने 60 बैनर्स पूरे मेन स्पॉट ऑफ जोधपुर में लगाए जाएंगे, और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम लोग छोटी वीडियोस बनाकर उसको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में उसको रेगुलरली उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि जोधपुर एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट सिटी बने ट्रैफिक सेंस के मामले में। इसके लिए हम लोग समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, और भी कई संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग इसे और भी स्ट्रॉन्ग पुलिस ट्रैफिक के साथ कनेक्ट करेंगे। आज से जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मुख्य अतिथि, इसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफ जोधपुर से डिप्टी कमिश्नर साहब एंड AC कमिश्नर साहब और भी कई डिग्निटीज ऑफ जोधपुर ट्रैफिक ऑफ पुलिस के शामिल थे। इसमें इस तरह के कार्यक्रम और भी पहले हुए हैं, आपके कार्यक्रम में क्या नवाचार रहा, क्या नयापन रहा? इसमें नयाचार ये रहा कि इसमें हमने यंग लोगों को टारगेट किया है, कि यंग जनरेशन जो अभी नई तरीके से गाड़ी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बैनर्स इनको दिए गए हैं, और ये ट्राई किया गया है कि इसको ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और वहाँ पे इन लोगों को अवेयर किया जाए। और हम लोग एक रोटरी क्लब्स के थ्रू एक मटेरियल हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें मटेरियल हम लोग ट्रैफिक पुलिस को ये इनिशिएटिव करेंगे कि ये ट्रैफिक ये मटेरियल्स
जब भी लर्निंग लाइसेंस के लिए ये इशू किए जाए तो उससे पहले वो फील किए जाए, उसके बाद ही लर्निंग लाइसेंस के लिए उनको अप्लाई किया जाए। जी आपका परिचय? मनीष सालेचा, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन का प्रेसिडेंट।